टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी हिंदी साहित्य अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने इसके पहले आपको पूरे पाठ्यक्रम पर एक हल्का सा एनालिसिस किया था, क्योंकि हम बहुत सारे कंटेंट पे ऑलरेडी हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कुछ एक नया कंटेंट लेते हैं और उस पर थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह बेसिकली ऐतिहासिक आधुनिक काल रहेगा, लेकिन उसी में हम सब कुछ आपसे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे आधुनिकता की अवधारणा आई। तो आज हम आते हैं अपने मूल बिंदु पर आते हैं। आज हम टॉपिक जो लेने वाले हैं वह आपसे चर्चा करेंगे ऐतिहासिक आधुनिक काल, यानी हमारा आज का जो यह टॉपिक है ऐतिहासिक आधुनिक काल। ऐतिहासिक आधुनिक काल, ठीक है। यहां पर अभी तक आपने तो आधुनिक काल सुना था, ये तो आपको समझ में आता था, ये ऐतिहासिक आधुनिक काल क्या है। थोड़ा सा नजरिया चेंज करेंगे और कुछ बात नहीं है। इतिहास की दृष्टि से हम आधुनिक काल को थोड़ा सा समझेंगे, पुनः हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन 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 इसके पहले थोड़ी सी आपको समझ होनी चाहिए, और ये मानता हूं कि आपको समझ है, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं पुनः इस अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे अभी साहित्य को जानते ही नहीं है। व्याकरण के बारे में तो वो भली भांति परिचित हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं, काव्य शास्त्र में रस छंद अलंकार के बारे में जानते हैं, व्याकरण में आते हैं लिंग वचन कारक काल आदि के बारे में जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम के बारे में नाम तो सुने होंगे, इतना मैं जानता हूं। जो नव प्रवेशी है, जो न्यू कमर है, वो जो है हो सकता है कि इससे भली भांति परिचित ना हो, तो मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि आप इससे थोड़ा सा परिचय बना लीजिए। हालांकि क्रम क्या है ये आप लोग जानते हैं, लेकिन उस क्रम को तोड़ते हुए मैं इस क्रम पे आया हूं। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य की अवधारणाओं में जब हम जाते हैं, सबसे पहले एक बात आनी चाहिए हमारे दिमाग में कि हिंदी का आगमन कैसे हुआ, यानी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, और पुनः हिंदी के बारे में क्या क्या हमारे विस्तारीकरण हुए, विभाजन कैसे हुआ, और तब इसी बिंदु पर हम अपने मूल बिंदु पर आने के पहले थोड़ा सा आपको एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूं और कुछ नहीं करूंगा। तो इस आधुनिक काल पर आने से पहले हम आपको आधुनिक काल में तो डायरेक्ट प्रवेश नहीं करेंगे, उसके पहले भी कुछ रहा होगा तो उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो चलिए हम जो है देखिए, भाषा है, भाषाओं की जननी आप लोग जानते हैं कि संस्कृत को कहा जाता है, ये आपको पता भी है। संस्कृत जो है यानी उत्पत्ति जो हो रही है वो भाषाओं की किससे हो रही है, संस्कृत से हो रही है। तो हम किससे उत्पन्नीकरण हमारा हो रहा है, संस्कृत से हो रहा है, ठीक। मैंने बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा किया है, संस्कृत से हम किस भाषा की तरफ बढ़ रहे हैं, पाली भाषा की तरफ बढ़ रहे हैं, पाली भाषा, और पाली भाषा को प्रथम देश भाषा भी कहा जा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। पाली से हम किस भाषा की तरफ चल रहे हैं, पाली से हम प्राकृत भाषा की तरफ चल रहे हैं, और प्राकृत से हम अपभ्रंश भाषा की तरफ आ रहे हैं, और अपभ्रंश से हम अवहट्ट की चर्चा यहां पर अभी नहीं करेंगे, अवहट्ट की चर्चा नहीं करेंगे। अवहट्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो एक
कॉन्सेप्ट है, संधि काल की भाषा है, संक्रमण काल की भाषा है, प्राकृता भाषा है, तमाम अलग अलग रूप है, तो उसको हम बताएंगे। अपभ्रंश के समानांतर कुछ दिनों बाद वह अवहट चलता है, तो इसलिए मैं अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हम किस में आ जाते हैं, हिंदी में प्रवेश कर जाते हैं। अपभ्रंश के बाद हम किस में आते हैं, हिंदी में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। एक विकास यात्रा रही, अगर इस विकास यात्राओं में भी अगर हम देखें तो आपके सामने यह प्रस्तुत होता है कि संस्कृत का जो काल चलता है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, यहां पे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक चलता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ईसा पूर्व से लेकर यह कब तक चला है, 500 ईसा पूर्व तक चला है, 500 ईसा पूर्व तक यह चला है, ठीक है। ये पाली, ये संस्कृत चला है, इसी संस्कृत में वैदिक संस्कृत भी है, लौकिक संस्कृत भी है। ये अलग विषय है कि पहले वैदिक संस्कृत आई कि पहले लौकिक संस्कृत आई है, अपने अपने मत के अनुसार विद्वानों की अलग अलग व्याख्या है। कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, पहले वैदिक संस्कृत आई, और आप भी कहेंगे कि हाँ सर पहले वेद लिखे गए, वैदिक ही संस्कृत आई, इससे इत्तेफाक भी रखने वाले बहुत सारे विद्वान हैं। कुछ लोग कहे नहीं पहले लौकिक संस्कृत आई, तो उनके अपने तर्क है कि भाई हम डायरेक्ट तो वेद लिखे नहीं, डायरेक्ट तो हमने संस्कृत को वेद ही में नहीं उतारा, पहले लोक भाषाओं से ही तो हम संस्कृत के उत्पन्नीकरण मानते हैं, यानी पहले हम धीरे धीरे उसी से तो आए होंगे, तो वो विकसित किया तो उसके बाद हमने वेद लिख दिया तो वैदिक संस्कृत हो गया। तो अपने विचारधाराएं हैं, इस विचारधाराओं पर चर्चा भी आपसे होगी कि क्या किया जाए। फिलहाल इतना जानिए कि संस्कृत जो है यह दो भागों में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में इसका क्या होता है, विभाजन होता है, और 500 तक ही चलता है। मैं कभी विस्तृत आपसे करूंगा। पाली भाषा जो होती है यह 500 ईसा पूर्व से लेकर के, 500 ईसा पूर्व से लेकर के, ये सारा ईसा पूर्व में है, आप ध्यान दीजिए, 500 ईसा पूर्व से लेकर के यह 1 ईस्वी तक चलती है। कब तक, 1 ईस्वी तक चलती है, और प्राकृत जो है 1 ईस्वी से लेकर के यह 500 ईस्वी तक चलती है, यह प्राकृत। फिर अपभ्रंश जो है ये 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक ये चलता है। पुनः यह हिंदी जो है 1000 ईस्वी से लेकर के, और हम आज तक लिख देते हैं, आज तक लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख देते हैं आपसे। लेकिन यह एकदम एग्जैक्ट कोई बंटवारा नहीं है, ये नहीं है कि बस जो है यह लिख दिया गया तो लिख दिया गया, क्योंकि साहित्य के समय को एग्जैक्ट प्रदर्शित करना यह संभव नहीं है कि कब से ही हुआ। यह कोई ऐसा नहीं है कि हम ये पेन है और इस पेन को अगर कलम को हम तोड़ दें तो आज इतने बजकर इतने मिनट पर मैंने इसको तोड़ा, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी प्रोसेसिंग की बात है, किसी से यह विकसित होने की बात है, और वो भी हम इस पेन के निर्माण में, इस पेन के निर्माण कब से प्रारंभ हुआ एग्जैक्ट तिथि नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट तिथि हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसकी रॉ मटेरियल कब तैयार हुई। अब यह नहीं है कि आज आज ही सोचिएगा कि आज ही, अरे हम जान रहे हैं कंपनी खोली गई या इस तारीख को इसमें पेन का निर्माण, नहीं नहीं, हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं, इसके ओरिजिन की बात कर रहे हैं। एक कब जो है आज के डेट में ये पेन आ गया, लेकिन इस पेन का पूरा प्रारूप कैसे बना, किसके दिमाग में आया होगा, पुनः इसके पहले लेखनी रही होगी, धीरे 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 हम विकास किए होंगे तब इस पेन का कोई आविष्कारक हो गया होगा, जैसे फाउंटेन पेन आदि आप लोग कहते हैं, तो जो है फाउंटेन महोदय ने इसका किया, तो ये बाद की परंपरा, लेकिन शुरू में लेखनी की जो परंपरा हम उसकी बात करें, धीरे धीरे हम विकास किए, तो एग्जैक्ट तिथि इसकी भी नहीं हो सकती है। एग्जैक्ट तिथि अब यहां अप्रोक्सीमेट है, यानी हम जो है कुछ भी करते हैं वो लमसम में मानकर करते हैं कि हाँ इतने होना चाहिए, इसीलिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं।
उन्हीं मतों में कोई कोई होता है कि जो सर्वमान्य मत होता है, लगभग लोग मानते हैं, तो इसलिए उनको बता दिया जाता है इनकी मान्यता को, इनके मत को आपको प्रमुखता देनी चाहिए, ऐसा कह दिया जाता है। तो यहां पर अब हम यहां से धीरे धीरे परिवर्तित होते या हिंदी, अच्छा हिंदी को सारा काम किसने किया है, यह अपभ्रंश ने किया है। मजेदार बात यह है कि हिंदी को हिंदी बनाने में ये सभी काम जो है ये अपभ्रंश ने किया है। ये कमाल की भाषा है। इसने किया क्या, ये जो संस्कृत के जितने भी पंडित थे, ये सारे जो भी लिखते थे उसको इन्होंने क्या किया, कहा हम इसको आसान करेंगे, ये कठिन करने पर लगे हुए हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो यहां जो बैठे हुए विद्वान थे, कहना जो भी आप बनाएंगे उसको मैं आसान कर दूंगा, जो भी आप कहेंगे उसको हम ये मानूंगा नहीं। अगर ये जो है, अगर ये कहे कि नहीं हस्त मैं कहूंगा, मैं लिखूंगा हस्त लिखूंगा, तो ये कहे कि हम इसको आसान करूंगा हथ लिखूंगा। एक द्वितीकरण, अपभ्रंश की एक विशेषता क्या है कि द्वितीकरण यानी दो बार शब्दों को लाना। इसने कहा मैं हथ कर दूंगा, ठीक है हथ कर दूंगा या हथ कर दूंगा, ऐसा कहा। इन्होंने अब बीच में ला दिया, ये हस्त बोले तो ये हथ बोले, इनको लगा तो ये कहे कि नहीं ये, अब इसने क्या किया, हिंदी ने क्या किया, दीर्घीकरण कर दिया, हिंदी ने दीर्घीकरण कर दिया। तो ये कहे कि नहीं नहीं ये हाथ हो जाएगा, हम काहे हथ बोले, हम काहे हस्त बोले, हम हाथ बोल देंगे, ये अपना अलग ही रूप लेकर चले आए। तो तद्भव रूप का जो विकास हुआ है हिंदी में वह यही है। अगर इन्होंने कहा कि भाई ये कर्म लिखे, तो ये कहे कि कर्म आप लिखिए, बड़ा मुझे कठिन लगता है, मैं कम लिखूंगा। अब जब कम लिखूंगा तो ये कम नहीं कहे कि हम काम ही लिख देंगे, इसी से काम चला लेंगे, आसान कर दिए, ठीक है। इन्होंने जो है ये कहे कि हम अग्नि लिखेंगे, कहे ठीक है आप लिखिए, अग्नि लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अपना परिवर्तित कर दिया, जो भी ये निकालते थे उसको इन्होंने क्या कर दिया, आसान कर दिया। तो आसान कर दिया, तो यानी पूरी की पूरी जब अपभ्रंश ने, यानी पूरा हिंदी, चाहे अग्नि हो, अग्नि से आग का निर्माण हो, चाहे आज्ञा हो, आज्ञा से हम आज्ञा अज्ञा करते हैं, उसके बाद यहां आज अद्य करते हैं, चाहे हम इसको आपके कर्पूर हो उसको हम कपूर कपूर के रूप में करते हैं, दैव हो तो दई के रूप में करते हैं, रात्रि हो तो रात के रूप में करते हैं, यानी तमाम जो भी है, इन शब्दों पर इन्होंने अपभ्रंश ने क्या कर दिया, हिंदी को आसान बना दिया। तो संस्कृत से जो शब्द चला, वह शब्द जब अपभ्रंश के रूप में आया और अपभ्रंश से परिवर्तित होकर के हिंदी में आ गया, हिंदी में आ गया, जिसको हम तद्भव रूप में तत्सम में हम पढ़ेंगे। तो ये आसान कर दिया, ज्यादातर आसान संस्कृत से यहां पर अपभ्रंश ने, या अपभ्रंश से हम हिंदी में आ जाते हैं। अब यहीं पर बात ये आती है कि इस जो यह हम हिंदी में आ रहे हैं, इसी हिंदी में अब हो क्या रहा है, यहीं से अब एक हम साहित्य की अवधारणा में आते हैं, थोड़े से आप ये समझिए। अब हिंदी का विभाजन होता है, हिंदी साहित्य का विभाजन होता है। अब हिंदी साहित्य का जब विभाजन हुआ तो ऐसा तो हो नहीं जाएगा, तो ये तो माना गया है, ये तो माना जाएगा ना कि हाँ कब से, तो 1000 ईस्वी से आज तक है ऐसा माना गया। तो अब अपने अपने आधार पर, हजार प्रसाद द्विवेदी अलग कुछ कहेंगे, रामचंद्र शुक्ल अलग कहेंगे, राम कुमार वर्मा अलग कहेंगे, मिश्र बंधु अलग कहेंगे, गणपतचंद गुप्त अलग कहेंगे, यानी सभी विद्वान क्या है अपने अपने आधारों पर इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, आप भी जानते हैं। तो अपने अपने आधारों पर जब विभाजित करेंगे, उनके जितने भी ज्ञानिक अनुभव है, उस ज्ञानिक अनुभव के आधार पर जितना वो खोज सकते हैं, जितना वो पढ़ सकते हैं, जितना वो स्रोतों को इकट्ठा कर सकते हैं, उन सारे बिंदुओं को इन्होंने इकट्ठा करके एक मत प्रस्तुत कर दिया। कमोवेश
लगभग सभी लोगों के वही मत उभर कर सामने आते हैं 10-20-50 वर्ष के इर्द गिर्द होकर के। यानी लगभग लोगों ने यह मान लिया कि इतने ही 9:30 से लेकर के और 11 के बीच में ही हिंदी का, यानी यहां पर 9:30 से 10:30 कह लीजिए कि बीच में, इसी के बीच में ही लगभग सारे लोग अपने मत को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो अब हम थोड़ा सा हिंदी का जो विभाजन है, अगर हम इसको मान लेते हैं 1000 ही मान लेते हैं, मान लें 1000 मान लें, तो 1000 ईस्वी से लेकर और आज कौन सा ईस्वी है, 2022 है, हम 2022 तक यहां पर क्या है आ जाते हैं। तो 1000 से लेकर के 2022 तक इसके समय को अगर हम काउंट करें तो क्या हो जाएगा, 1022 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1022 वर्ष हो जाएगा। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने 984 वर्षों का ही विभाजन किया है, लेकिन हम उनको छोड़ करके हम आज तक की बात कर रहे हैं। आज मैं जब तक पढ़ा रहा हूं आज की क्लास तक, या जब तक आप सुनेंगे तब तक क्लास तक, ये क्या है, यह 1022 वर्षों का इतिहास है हिंदी का। अब 1022 वर्ष पहले की बात लिखी जा रही है, सोच लीजिए कितना हम एथेंटिक लिखेंगे, कितना प्रमाणिक लिखेंगे, तो कुछ न कुछ अंतर होगा ही होगा। फिलहाल हम इसको एक विभाजित करते हैं हिंदी को, और उसके बाद हम अपने जो आज टॉपिक डाले हैं उस मूल बिंदु पर आते हैं। यह सब बाद में हम कभी चर्चा और विस्तृत आपसे करेंगे। तो यहां पर इस वर्तमान परिदृश्य में 1022 वर्ष का मैं कर रहा हूं, रामचंद्र शुक्ल ने 984 वर्ष तक किया है, उसको हम देखेंगे। तो यहां पर आप देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, अच्छा रामचंद्र शुक्ल ने सभी को संबत में लिखा है, ध्यान में रखिएगा, उन्होंने सन में नहीं, उन्होंने संबत लिखना आसान समझा, कोई बात नहीं, संबत में कुछ करना नहीं पड़ता है, 57 घटा देना पड़ता है, अभी मैं बता दूंगा आपको। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसी हिंदी, जो हिंदी साहित्य है, इस हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित कर दिया। पहला जो इनका विभाजन है, वह पहला विभाजन जो है वह आदिकाल है। कौन सा है, आदिकाल है, ठीक है, पहला विभाजन यह आदिकाल होता है। चलिए यह पहला विभाजन हो जाता है। दूसरा विभाजन जो होता है आदिकाल के बाद, वह कौन सा होता है, भक्तिकाल होता है, भक्तिकाल होता है। तीसरा जो विभाजन है वह रीतिकाल होता है। मैंने आपको सिलेबस जब, पाठ्यक्रम जब बताया था, उसमें मैंने इस बात की चर्चा किया था। और चौथा जो विभाजन है वह आधुनिक काल है। ये 4 जो है ये क्या होते हैं, ये विभाजन होते हैं, 4 विभाजन होते हैं। तो अब इन 4 विभाजन, अच्छा कितने, 1022 वर्षों का ही विभाजन करना है इन 4 भागों में। तो इन 4 भागों में जब 1022 वर्ष का करना है, तो यहां पर आदिकाल का जो समय सीमा है वह कहे कि 1050 संवत से लेकर, ये विक्रमी संवत है, कौन सा है, विक्रमी संवत है, से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक, 1375 विक्रमी संवत तक ये चलेगा, आदिकाल चलेगा, ठीक है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन किया है। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, मैं वो अलग बताऊंगा कि आपको किसने क्या नाम दिया है, कौन आदिकाल कहा है, कौन वीरगाथा काल कहा है, कौन बीज बपन काल कहा है, कौन से दशामंत काल कहा है, ये सब सारी चर्चाएं आपको हम करेंगे। तो 1050 विक्रमी संवत से 1375 तक, यही आप जान लीजिए, जो लोग नए हैं फ्रेशर हैं वो जान लें, किसी भी अगर विक्रमी संवत लिखा है तो विक्रमी संवत से सन को कन्वर्ट करने में -57 कर दीजिएगा। अब मान लीजिए 1050 विक्रमी संवत लिखा है, विक्रमी संवत लिखा है, तो इसमें -57 कर दीजिए, -57 कर दीजिए, तो माइनस जब 57 करेंगे तो ये ईस्वी निकल जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, इसमें से 10 में 7 जा क्या हो जाएगा, 3, यहां 4 बचेगा, ये 14, 14 में 5 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहां क्या बचा, 9, यानी 993 ईस्वी हो जाएगा। ये 1050 जो विक्रमी संवत है, अगर मैं ईस्वी में कहूं तो ये क्या हो जाएगा, 993 ईस्वी हो जाएगा।
अब मान लीजिए कोई कहता है कि 993 ईस्वी से अब विक्रमी संवत में लाना है, तो प्लस 57 कर दीजिए, प्लस 57 करेंगे तो 1050 या विक्रमी संवत निकल जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई वर्तमान में कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, मैं ये पूछूं तो आप क्या चल रहा है? चलिए आपसे पूछूं तो आप क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? यहां पर 2022 है तो 2022 में क्या करेंगे, 57 जोड़ देंगे, प्लस जोड़ देंगे तो 7 × 2 = 9, 5 × 2 = 7, यानी 2079 क्या हो जाएगा, यह विक्रमी संवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रमी संवत हो जाएगा। यानी एक जानते रहेंगे तो दूसरा अपने आप निकाल लेंगे आपको। तो ये नहीं है कि अब दोनों रटना पड़ेगा, कोई एक जानिए, और हाँ एक जानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानना पड़ेगा, एक जानना पड़ेगा दूसरा निकल जाएगा। तो 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक चलता है, ये आदिकाल चलता है। इसके बाद 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 से लेकर के 1700 तक विक्रमी संवत तक, मैं यहां लिख दे रहा हूं विक्रमी संवत तक क्या चलता है, यह आपके भक्तिकाल चलते हैं। फिर 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक क्या चलता है, यह रीतिकाल चलता है। और फिर 1900 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत से लेकर के और आज तक यह क्या चलता है, आधुनिक काल चलता है। इसी को रामचंद्र शुक्ल 1900 से 1984 लिखे और 984 वर्ष का इतिहास उन्होंने लिखा है। अब यहां से आप ये देखेंगे तो यह आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल, मैंने आपको जो आज चूज किया है, आप कहेंगे कि सर तो आदिकाल से बताना चाहिए, आज मैं किसी से बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये सोचा कि कुछ वीडियो आदिकाल, कुछ भक्तिकाल पर, कुछ रीतिकाल पर पड़ी हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इस वीडियो को उठाते हैं जो पब्लिकली तौर पर नहीं है, या होंगी तेकाद होंगी, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैंने सोचा इस आधुनिक काल को उठाते हैं, यानी ये वाला पोर्शन उठाते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा आपसे हम चर्चा करते हैं। तो आधुनिक काल जो 1900 विक्रमी संवत से, अगर सन देखेंगे तो -57 करेंगे, जब तो माइनस जब यहां 57 करेंगे तो 1843 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1843 ईस्वी। इसको सन में, अब सभी को सन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो सन में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 993 ईस्वी से क्या होगा, ये 57 घट जाए भाई, 1318 ईस्वी हो जाएगा। पुनः 1318 ईस्वी से ये कितना हो जाएगा, 1643 ईस्वी हो जाएगा। फिर 1643 ईस्वी से यह कितना हो जाएगा, ये 1843 ईस्वी हो जाएगा। यही नहीं होगा जी, 1843 ईस्वी देख लीजिएगा, घटा लीजिएगा, -57 कर लीजिएगा, ये आपके ईस्वी में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ईस्वी में जानिए चाहे आप संवत में जानिए। तो अब जो है ये बताते हैं कि इसके अकॉर्डिंग 1843 से आधुनिक काल प्रारंभ होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन पुनः ये आधुनिक काल आया क्यों, कारण क्या है? आदिकाल में वीरगाथा की बात की गई है, यानी राजाओं के बारे में, उनको वीरता की बात, आदिकाल में क्या है, वीरता की बात, जो राजा महाराजा सेना आदि थे, वीरता की बात की गई है हमेशा, तो उन वीरगाथा काल कहा गया, या शुरुआत हो रहा है इसलिए आदिकाल कह दिया गया। भक्ति काल में उस समय जो वीरता की अवधारणा थी, धीरे धीरे क्या हो रही है, वह नष्ट हो रही है। कारण यह है कि अगर इसको देखेंगे आदिकाल तक, लगभग आपको उस समय ऐतिहासिक परिदृश्य अगर नजर डालें तो वहां पर उत्तरोत्तर गुप्त काल आता है, गुप्त काल की लास्ट अवस्था चलती है, तो वह चल रहा है। उसी के बाद से 1206 ईस्वी में क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। अगर जो इतिहास जानता होगा ठीक है, नहीं जानता होगा थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि केवल अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो बस हिंदी ही पढ़िए, अरे थोड़ा सा ऐतिहासिक परिदृश्य, मैंने इसीलिए ऐतिहासिक आधुनिक काल लिखा है। तो यहां पर क्या हो गया, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है।
अब जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है तो यहाँ की जो मूल परंपराएं थी, जो मूल मान्यताएं थी, बड़ों का सम्मान था, आपसी प्यार था, ये एक दूसरों के प्रति लगाव था, जो मानवीयता थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई है, अब समाप्त होने जा रही है। अब धीरे धीरे जब समाप्त होने जा रही है, आप पर प्रहार किया जाएगा, तो धीरे धीरे, हाँ मैं भक्ति काल कभी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको चर्चा करूंगा। तो यहां से अब हम भक्ति काल, यानी हमारे पास भक्ति का एक सहारा बचा, एक मार्ग बचा, तो हम धीरे धीरे पूजा पाठ की तरफ चले गए, ईश्वर की शरण में लेकर के चले गए। तो वहां से और यहीं पर आपको भक्ति काल के जो मूर्धन्य विद्वान हैं, यानी कवि हैं, वो आपको चाहे वो यहीं पर आपको रहीम दिखाई देंगे, यहीं पर आपको बाबा तुलसी, यहीं पर कबीर दिखाई, यहीं पर सूर दिखा देंगे, यहीं पर अक्षरानन्य दिखाएंगे, यहीं पर जायसी दिखाई देंगे, सीगा दिखाई देंगे, यहीं पर लालदास दिखाई देंगे, यानी तमाम विद्वान आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो ये भक्ति काल की उदाहरण चली। इसके बाद पुनः अच्छा कारण ये है, यहां पर भी आपको भाषाओं के तौर पर देखेंगे तो अवधि ही मिलेगी, अवधि मिलेगी और कुछ ब्रजी भी मिलेगी। यहां पर भी ब्रजी का यहां पर बोलबाला हो गया, यानी ब्रज का, और अवधि भी कुछ मिल जाएगी, वह चल रहा है। तो कुल मिला जुला करके अगर पूरे सेशन में देखेंगे तो आप ब्रज का बोलबाला है, ब्रज भाषा का बोलबाला है, उसी में हो रहा है। अब यहां पर आते आते और इसके बाद जब हम यहां पर आते हैं तो आप ये देखिए 1526 तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना रहती है। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। अब भारत की शासन सत्ता पर किसका कब्जा हो जाता है, वह मुगल वंश का हो जाता है, बाबर का हो जाता है, आप अगर आप जानते हो तो। अब क्या हो, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है भारत पर, यानी यहां मुगलिया वंश शासन करने लगता है। अब यहां से तो धीरे धीरे, अच्छा यहां पर श्रृंगार की बातें लिखी जा रही हैं, राजाओं के बारे में लिखी जा रही हैं, हम रीतिकाल पढ़ाएंगे, वहां चर्चा करेंगे इसकी। तो हम धीरे धीरे अब आधुनिक काल में आ रहे हैं। तो आधुनिक काल में आ कैसे रहे हैं ये आप जानिए। तो इसकी ऐतिहासिकता देखिए, आधुनिक काल की ऐतिहासिकता देखिए, मैंने जो यहां पर आपसे चर्चा किया ऐतिहासिक आधुनिक काल, हम आधुनिक काल को इतिहास की नजरिए से आज देखते हैं कि इतिहास की नजरिए से क्या है आधुनिक काल। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब मुगल वंश की स्थापना हुई रहती है उसी समय आप ये देखिएगा, अगर थोड़ा बहुत गंगा यमुना नदी है, ये दोनों मिलकर के आती हैं, संगम यहां मिलती हैं, यहीं पर प्रयागराज हो जाता है, ये प्रयागराज होता है, प्रयागराज हो जाता है, गंगा यमुना का मेल संगम हो जाता है और प्रयागराज में संगम ही है किसी का हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जा रही है, हादिया नर्मदा ताप्ती है। यहां पर आप देखेंगे केरल के तट पर 1498 में यहां पुर्तगाल से एक नाविक चलता है, वो नाव लेकर के आता है, पतवार लेकर के आता है, ठीक। तो वो खोजते खोजते, यानी रास्ता ढूंढते ढूंढते, मैं ऐतिहासिक परिदृश्य पर बहुत नहीं जाऊंगा, थोड़ा बहुत जाऊंगा, ऐसा माना जाता है कि अब्दुल मनीद नामक एक इसको यात्री मिलता है, भारतीय यात्री मिलता है, केप यानी यहां पर साउथ अफ्रीका महाद्वीप के लास्ट पॉइंट में मिलता है, वहां से उसके साथ जो है वास्को डी गामा भारत आता है, कहां पर, केरल के तट पर, और यहां पर एक जमोरिन नामक शासक मिलता है, जमोरिन तत्कालीन वहां का लोकल स्तर पर जमोरिन शासक रहता है, बड़ा स्वागत करता है, ये पुर्तगाली है, पुर्तगाली है, और ये पुर्तगाली यानी पुर्तगाल से चल करके वास्को डिगामा यहां पर आता है, और वास्को डिगामा यहां पर पहुंचता कब है, 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कहां पर आ गया है, यह भारत प्रवेश कर गया है, क्यों, व्यापार के लिए, व्यापार के लिए यहां पर आ गया। अब जब व्यापार के लिए यहां पर आ गया तो धीरे धीरे यहां से भारतीय प्रवेश में मसालों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, और मसालों में भी काली मिर्च क्या अद्भुत है, वो उसका नाम यमन प्रिया उस समय था, ऐतिहासिक परिदृश्य में देखिए यमन प्रिया था। तो वो जो है आपको
यहां से इसका मसालों का बहुत, क्योंकि वहां स्पाइसी चाहिए था, ठंडा प्रदेश था वो सब, तो ठंडे प्रदेश में मसालों का बहुत ज्यादा खपत होती है, तो स्पाइसी वहां चलते हैं। अब तो हम उन्हीं का नकल करते करते अपने भी स्पाइसी होते चले जा रहे हैं, और स्पाइसी पूरी शरीर ही चली होती होती जा रही है, समस्याएं आ रही है। फिलहाल यहां पर देखिए 20 मई 1498 को यहां पर आए, यानी पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद से कौन आते हैं, यानी पुर्तगाली आते हैं। अब धीरे धीरे अब बढ़ता चला जाता है, पुर्तगाली, डच आते हैं, डेनिस आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, ये सब अब धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाते हैं, यानी यहां से व्यापार होने लगता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक अब लगते हैं, सभी लोग मिलने लगते हैं, सभी लोग हाकिम आदि बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं, व्यापारी आते हैं। इसी में से अंग्रेज जो है हमारे साथ एक कूटनीति कर देते हैं, हमको जो है धीरे धीरे लालच दे करके धीरे धीरे हमारे ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और हम अतिथि देवो भव की कल्पना को प्रतिमूर्ति मान करके, अतिथि देवो भव इसको मान करके जो भी वो कहते हैं मानते चले जाते हैं, और धीरे धीरे वह अतिथि जो है हैवान हो जाता है, इंसान से वह हैवान हो जाता है, और हमारे ऊपर हैवानियत की बेड़ियों को वह डाल देता है, और हम क्या हो जाते हैं, यानी यहां जब आप देखेंगे अंग्रेज जब आते हैं तो अंग्रेज धीरे धीरे प्रसार करके और हमको क्या कर देते हैं, गुलामी की जंजीरों की तरफ मोड़ देते हैं। यानी अब जो है भारत में भारत के लोगों पर ही अब शासन सत्ता यहां के लोगों का नहीं होगा। ऐसी बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसी बातें 1764 में ये बक्सर के युद्ध ने बताया। अगर थोड़ा सा नहीं जानते हो तो पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी साहित्य चूंकि पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आज का मेरा टॉपिक है, ऐतिहासिक आधुनिक काल, इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, अन्यथा ये भी नहीं चर्चा करता। तो 1764 में बक्सर के युद्ध ने यह घोषित किया कि अब धीरे धीरे भारत पर भारत का अधिकार नहीं रहा, और 1857 की क्रांति ने संपूर्णता प्रदान कर दी, खत्म कहानी। 1857 की क्रांति जब होती है तो एकदम हम नतमस्तक हो जाते हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। अब जब जकड़ जाते हैं तो अब यह प्रक्रिया, अब हिंदी साहित्य की बात में आता हूं, यहां पर मैं इसको अब छोड़ देता हूं। अब यहां पर ये हम गुलाम बन गए हैं, तो यहां का अब साहित्य की जो अवधारणा होगी वो दूसरी होगी, क्योंकि अभी तक यहां पर आप देखिए बेसिकली जो हिंदी साहित्य है वो मूलतः हिंदी साहित्य में अभी कुछ हो ही नहीं रहा। अभी तो खड़ी बोली आगमन हो रहा है, अभी तो 10वीं शताब्दी के आसपास बोलियों का विभाजन हो रहा है। मैं जब बोलियां पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको भाषा शास्त्र पढ़ाऊंगा तो भाषा विज्ञान पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा, बोलियों के बारे में चर्चा करूंगा कि 10वीं शताब्दी में कैसे 5 भाषाओं का विकास होता और 5 भाषाओं से 18 बोलियां निकलती है, उसमें कैसे हम जो है पश्चिमी सौर सेनी से पश्चिमी हिंदी निकलती है, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली हो जाती है, ब्रजी होती है, कन्नौजी होती है, बुंदेली होती है, हरियाणवी होती है, दक्षिणी हिंदी होती है, ये सब सारी चर्चाएं मैं आपसे करूंगा। तो ये जो है अब यहां से जब बातें आती हैं तो अब हम जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाते हैं तो अब हिंदी जो साहित्य है ये कोई बैठने वाला नहीं है। अभी तक क्या है, उर्दू था, हिंदी का आगाज होता है, उर्दू साहित्य चलता रहता है, हिंदी का बीच में उसी में आगाज होता है। मीर खुसरो के आप देखेंगे, कुछ मसनविया देखेंगे, कुछ मुकरी देखेंगे आदि, अभी मैं उस पर बात करूंगा। तो उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर आते हैं, ब्रजी का बोलबाला हो जाता है, उसी बीच ब्रजी का बोलबाला आता है, साहित्य के क्षेत्र में यह सब चलता रहता है। यह मुगल वंश में ही अवधी और ब्रजी दोनों अपना छाए हुए हैं, इसी पर लिखे जा रहे हैं, इसी में लिखे जा रहे हैं। उधर उर्दू का एक अलग दबाव है, उर्दू में एक अलग चल रहा है, उधर तब तक अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेजों का एक अलग, अंग्रेजी को लेकर, ईसाई मिशनरियों आदि को लेकर के यहां पर एक अलग बात हो रही है कि अब भारत में अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, चूंकि यहां पर ईसाई मिशनरियों की स्थापना हो रही है। तो अब धीरे धीरे इसका विरोध भी हो रहा है, विरोध हो रहा है, लेकिन इस विरोध को दबा दिया जा रहा है। सब लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि अब आप गुलाम हो गए हैं तो हम एकदम चुप हो जाएं। उसमें बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी निकलेंगे, बहुत सारे अपनी बात को रखने वाले निकलेंगे, तो निकलेंगे। तो अब जो है यहां पर धीरे धीरे हमारा एक 30 मई 1826 को क्या होता है, 30 मई 1826 को
एक पत्र का प्रकाशन होता है जिसका नाम होता है उदंत मार्तंड। आप ये जानते होंगे इस पत्र के बारे में, उदंत मार्तंड के बारे में जानेंगे। उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड। उदंत मतलब क्या होता है? उगता हुआ। मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य। अगर हिंदी में इसका देखेंगे तो ये क्या होगा? उगता हुआ सूर्य। 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन मंगलवार के दिन किया जाता है। हनुमान जी का दिन है, ऐसा माना जाता है कि बन बिना ये जो है ये निवारण करेंगे। तो मंगलवार के दिन उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से किया जाता है, और कौन कहता है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल करते हैं। यानी जुगल किशोर शुक्ल ने, यह जुगल किशोर शुक्ल कहां के थे? किशोर शुक्ल ये कानपुर के निवासी थे, ठीक है। जो बच्चे अभी सोच रहे हो ये कहां से कहां जा रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें, बस आप जो है लिंक करना जान जाइए। लिंक करना जिस दिन जान जाएंगे उस दिन आप समझ जाएंगे। आप जो है अभी टीजीटी पीजीटी नहीं, अभी हिंदी पढ़िए, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में। हिंदी पहले पढ़िए, हिंदी को पढ़ लेंगे तो अपने आप तैयारी हो जाएगी। तो यहां पर जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में इसका प्रकाशन किया। हलाचल करके दिसंबर 1827 में इसका प्रकाशन बंद होता है। एक पत्र पत्रिकाओं का अलग प्रकाशन होता रहता है, इसी में अपनी विचारधाराएं लिखी जाती हैं, प्रतिबंध लगता है, तमाम पत्र पत्रिकाएं लिखी जाती हैं। यानी हिंदी के जो विद्वान हैं वो अपनी क्रियाकलाप एक्टिविटी वो जारी रखते हैं, और यही इसी का परिणाम यह है कि हम जो है श्रृंगार काल से, श्रृंगार काल मतलब अलंकृत काल मतलब रीति काल, यानी उसको श्रृंगार, चूंकि वहां श्रृंगारिकता है, श्रृंगारिकता की भावना है, उससे निकल करके हम किधर? आधुनिक काल की तरफ आते हैं। यानी कि हमारा जो यहां पर, मैं आपसे ये कहूं, यहां पर आ जाइए, आधुनिक काल में जो हम प्रवेश कर रहे हैं तो इसकी कोई एग्जैक्ट तिथि नहीं है, इसकी कोई एग्जैक्ट तिथि नहीं है। अब यहां से हम रीति काल से इस ब्रजी की तोड़कर, चूंकि अब ब्रजी को हटा करके यहां पर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र मिलेंगे, तो ऐतिहासिक रूप से आधुनिक काल का, अब कोई कहेगा आधुनिकता कहेगा, आधुनिक काल का आगमन जो होता है आधुनिकता शब्द से कहेगा, कोई आधुनिकतावाद कहेगा, आधुनिकतावाद कहेगा, कोई आधुनिक ही कहेगा, यानी कोई मॉडर्न कहेगा, कोई मॉडर्निटी कहेगा, कोई मॉडर्नाइजेशन कहेगा, कोई मॉडर्निटिज्म कहेगा, तमाम चीज लेकर। और बेसिकली अगर आधुनिकता को देखेंगे तो 16वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के और 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये आधुनिकतावाद का प्रयोग आपको कहां पर मिल रहा है? यानी यह यूरोप में मिल रहा है। 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक आधुनिकतावाद, ये जो आधुनिक शब्द का जो प्रायः उपयोग मिल रहा है, जो प्रयोग मिल रहा है वो कहां? यूरोप में मिल रहा है, उसको हम ले रहे हैं, और यहां पर अलग अलग विचारधाराओं पे ये अप्लाई किया जा रहा है। तो यहां पर आधुनिक काल जो हो, अब यहां पर आधुनिक काल आया, हालांकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो थोड़ा सा इसका मैंने ये बताया कि इस आधुनिक काल के आने से पहले, आधुनिक काल के आने से पहले अब क्या हो गया, ऐतिहासिक रूप से कैसे हम आए। तो यानी इतिहास की देन है कि हम धीरे धीरे गुलामियत से इस आधुनिकता की तरफ बढ़े, और विद्वानों ने कहा हिंदी साहित्य में अब इसी को अप्लाई करिए। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता की जब अवधारणा देखेंगे, आधुनिकता की अवधारणा देखेंगे, तो इस आधुनिकता की अवधारणा में आप क्या पाएंगे? पाएंगे अलग अलग विद्वान हैं, अपने अपने मत हैं। इसी में एक डॉक्टर अमरनाथ होते हैं, डॉक्टर अमरनाथ ने कहा कि आधुनिकता का तात्पर्य जो होता है वह प्राचीन परंपराओं तथा मूल्यों व विचारों के विरुद्ध नवीन आविष्कारों व विचारों की प्रतिष्ठा है। अमरनाथ ने कहा कि यानी इसका जो आधुनिकता का जो तात्पर्य है वो प्राचीन परंपराओं तथा मूल्यों और विचारों के विरुद्ध, प्राचीन जो परंपरा है, प्राचीन मूल्य है और प्राचीन विचार हैं आपके, तो प्राचीन मूल्य हैं, प्राचीन आपके विचार हैं, इसके विरुद्ध जो है हम नए आविष्कार कर रहे हैं, नवीन आविष्कारों की प्रतिष्ठा ही क्या होती है, यह आधुनिकतावाद है या आधुनिक है, ये आधुनिकता की, ये डॉक्टर अमरनाथ कहते हैं। वहीं पर डॉक्टर नगेंद्र भी आते हैं,
हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य चूंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता की अवधारणा को लेकर डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं आधुनिकता का तात्पर्य मध्यकालीन विचारों से मुक्ति। आधुनिकता का क्या तात्पर्य है? जो मध्यकालीन विचार है उससे हम मुक्ति तथा यह लौकिक नवीन दृष्टिकोण को अपनाना, यानी जो हम मध्यकाल की विचारधाराएं देख रहे हैं उस विचारधाराओं से हम मुक्ति पालें। ये डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। आधुनिकता का तात्पर्य मध्यकालीन विचारों से मुक्ति तथा यह लौकिक नवीन दृष्टिकोण को अपनाना क्या कहलाता है? आधुनिकता। यह लौकिक मतलब इस लोक की, यानी वर्तमान समय की, ये बता रहे हैं, ये आपको डॉक्टर नगेंद्र बता रहे हैं। वहीं पर डॉक्टर गर्भचंद गुप्त कह रहे हैं कि पारलौकिक विषयों को छोड़कर, यानी पारलौकिक मतलब जो परलोक वाली विषय है इसको छोड़ करके वर्तमान संदर्भों में साहित्य लेखन क्या था क्या होगा, इसको छोड़ करके वर्तमान संदर्भों में साहित्य लेखन ही आधुनिकता है, यानी हम जो वर्तमान में लिख रहे हैं यही क्या है? आधुनिकता है। और ये भी बताते हैं गर्भचंद को, आधुनिकता की परिभाषा समय के अनुसार बदलती रहती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आधुनिकता बस एक हम लिख दिए तो वही आधुनिक हो गया, वही मॉडर्नाइजेशन हो गया, ऐसा नहीं है। ये समय के अनुसार अपनी अपनी परिभाषाएं बदलती रहती हैं। तो धीरे धीरे हम ऐतिहासिक परिदृश्य से विचारों को ग्रहण करते हुए हम क्या करते हैं, जो पुराने विचार थे उस विचारों को त्याग करके, जो रूढ़िवादी विचार थे उस विचारों को त्याग करके, जो पुरानी परंपराएं थी, पुरानी परंपराओं इन द सेंस क्या, पुरानी परंपराओं का क्या मतलब है, विचारों मूल्यों का क्या मतलब है, यानी जिस पर हम लेखन करते थे, लेखन किस पर करते थे इसके पहले, आधुनिक से पहले। अब हम यहां पर थोड़ा सा आपको आधुनिक, आधुनिकता या आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक है, इसके पहले, इसके पहले हमारा विषय वस्तु क्या है, आप थोड़ा ऐसा ये देखिए, इसके पहले मैं शुरू से बता रहा हूं, इसके पहले हमारा केंद्र का बिंदु क्या है, राजा है, केंद्र के बिंदु क्या है, वीर है, केंद्र के बिंदु क्या है, नारी है, और यहां पर इसके पहले क्या है, हम श्रृंगार की बात कर रहे हैं, यानी किसकी बात कर रहे हैं, हम श्रृंगार की बात कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के किसी एक के बारे में हमारे विषय क्या है, भाषाएं क्या है, ब्रजी ले दे करके हैं, ले दे करके अवधि हैं, ये सब सारी हमारी भाषाएं चल रही हैं। तो यानी हमने क्या किया, अब इससे मुक्ति पाया, हम अब आधुनिक काल में क्या पा रहे हैं, इससे मुक्ति पा रहे हैं, यानी कि हम आधुनिकता केवल ये थोड़ी ना है कि लिबास पहन लेने से, लिबास बदल लेने से बार जो है, बाल अपने जो है वह सीधे ऐसे ना झाड़ के खड़ा कर देने से, लाल पीला हरा नीला रंग लगाने से हम आधुनिक हो जाएंगे, छोटे छोटे कपड़े पहन करके हम आधुनिक हो जाएंगे, ये आधुनिकता की थोड़ी ना है। आधुनिकता क्या है या आधुनिक क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, यह विचारों से होती है, स्मार्टनेस क्या है, विचारों से होता है। तो हम विचारधाराओं में परिवर्तित कर रहे हैं, हम उनसे, हम उस केवल रस से, केवल अलंकार से, केवल नारी से, केवल श्रृंगार से आदि आदि के से हम अब क्या पा रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं। तो हम आधुनिक काल में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो इसी आधुनिकता को हम, आधुनिक काल जो है हम इसको अपना रहे हैं। अब यहां पर एक तो अब खत्म तो होगा नहीं, ब्रजी खत्म तो होगा नहीं, लेकिन यहां पर अब हिंदी का आगमन यानी खड़ी बोली का आगमन जो होगा यहां पर हो जाएगा। यहीं पर अब जो काव्य की विधाएं थी वो काव्य की विधाएं ही केवल नहीं रहेंगी, अब जो है वह काव्य के साथ साथ, कविता के साथ साथ अब गद्य की विधाएं भी आएंगी, यानी कि अब केवल हम केवल काव्य रचना नहीं करेंगे, हम प्रशंसा ही नहीं करेंगे, हम नाटक भी लिखेंगे, हम कहानी भी लिखेंगे, हम उपन्यास भी लिखेंगे, हम आत्मकथा भी लिखेंगे, हम संस्मरण भी लिखेंगे, हम जीवनी भी लिखेंगे, हम रिपोर्टाज भी लिखेंगे, हम यात्रा वृतांत भी लिखेंगे, यानी तमाम बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, यानी इसका विकास होता है। तो एक आधुनिकता की जो अवधारणा है ये नहीं है कि केवल एक क्षेत्र में हम आधुनिक होते हैं। अब इसके आधुनिकता की यही जो अवधारणा है, इसके नामकरण को लेकर के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो बहुत सारे लोग अलग अलग, यानी इसको आधुनिक काल का नामकरण भी किए हैं,
ठीक है, कोई जैसे रामचंद्र शुक्ल ने ही आधुनिक काल के साथ साथ गद्य काल कहा है, आधुनिक साल के काल के साथ साथ क्या कहे हैं, यह गद्य काल भी कहे हैं। तो अगर ये देखेंगे तो यहां पर गद्य का गद्य काल कहेंगे, कोई आधुनिक काल कहेगा, तो तमाम ऐसे अपने विद्वान हैं, तो उन विद्वानों के आधार पर वो क्या होगा, इसका नामकरण होगा और इसकी क्या होगी, समय सीमा होगी। तो यानी आधुनिक काल का आरंभ का जो समय सीमा है, वो समय सीमा भी क्या है, आप मुख्यतः तीन को ज्यादा हाईलाइट पाएंगे। एक क्या पाएंगे, 1843 पाएंगे, एक 1850, यहीं से भारतेंदु का जन्म होता है, जो भारतेंदु युग चलता है उसको मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, और एक क्या होता है, 1857 होता है। ठीक है, ये तीन आप डेट पाएंगे। तो इसमें जो है ये 1857 का जो समय है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने भी माना है, और 1850 वाला जो है वह गणपतचंद गुप्त ने भी माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 मानते हैं, वो प्रथम जो है उत्थान काल से मानते हैं, और कुछ लोग 1843 से मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में दोनों दे देगा, 1850 1857 दोनों नहीं देना चाहिए, यानी एक ही देना चाहिए इन दोनों से, इसको हटा दीजिए, इस पर बहुत ज्यादा मत नहीं है, लेकिन इन दोनों पर क्या होता है, मत होता है। और इसको और विस्तार करने के लिए मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जब मैं अगला यानी भारतेंदु युग बढ़ाऊंगा तो उसमें मैं पूरा आपसे डिटेल कर लूंगा कि कौन कौन क्या क्या नाम दे रहा है और इसके समय को कितना माना जाए, भारतेंदु युग को कब से कब तक माना जाए, तो इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। यानी आज मैंने आपसे जो बात किया वह बात यह किया कि ऐतिहासिक रूप से आधुनिक, यानी ऐतिहासिक आधुनिकता, हम ऐतिहासिक रूप से कैसे आधुनिक काल में प्रवेश किए, और अन्य जो यहां हमारे विद्वान हैं उन विद्वानों के आधार पर आधुनिकता क्या होता है, इस पर भी हमने चर्चा किया। अन्य बिंदुओं पर हम छोटी छोटी मोटी छोटे मोटे बिंदुओं पर हम चर्चा करके आज आपसे यहीं पर रुक्षत होते हैं। पुनः कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः भारतेंदु युग के बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे और आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद आप लोगों को, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।